press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप अपने फुल फोटो को लगा सकते हैं प्रोफाइल पिक्चर पे। जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो मैं अपने व्हाट्सएप को ओपन करके आपको दिखा देता हूं। तो मैंने व्हाट्सएप को ओपन किया, ये सपोज मुझे ये वाले फ़ोटो को लगाना है, ठीक है। देखिए मैं लगा रहा हूँ, ये मैं फुल फ़ोटो नहीं आ पा रहा, मुझे मेरे को ये क्रॉप करने के लिए बोल रहा है। तो फुल फ़ोटो लगाने के लिए सबसे पहले आपको बैक जाना होगा और मैंने एक एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं उस वाले फ़ोटो को सिलेक्ट कर लूँगा। इसकी देखिए मैंने ये फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया। फिर हम लोग टूल्स पर जाएंगे। टूल्स पर जाने के बाद आपको एक्सपेंड का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, आप उस एक्सपेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। एक्सपेंड पर जाने के बाद फिर आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, स्मार्ट, वाइट एंड ब्लैक। अगर आप वाइट पे क्लिक करके एक्सपेंड करेंगे तो ये पूरा वाइट होकर एक्सपेंड होगा, और अगर आप ब्लैक पे करके एक्सपेंड करेंगे तो आपको ब्लैक कलर में एक्सपेंड होते दिखाई देगा। तो हम लोग इसको स्मार्ट पे क्लिक करेंगे और इसको एक्सपेंड कर लेंगे। देखिए मैंने एक्सपेंड कर लिया है, तो एक्सपेंड करके राइट क्लिक करेंगे या फिर टूल्स में जाके यहाँ पर आपको हेडिंग का ऑप्शन मिलेगा, आप उसको क्लिक कर लीजिए। फिर वहाँ से उस ऑप्शन से आप कुछ कुछ चीज़ें ठीक कर लीजिए, अगर कुछ ख़राब हो गया तो। देखिए मैं इसे ठीक कर ले रहा हूँ। देखिए अब क्रॉप वाले ऑप्शन जाके मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ क्रॉप कर लूँगा। देखिए मैं क्रॉप कर ले रहा हूँ, देखिए मुझे इतना पार्ट चाहिए। अब देखिए साइड में ये एक्सपेंड हुआ है, तो आपको फिर ब्लर पे ऑप्शन पे जाना है। देखिए यहाँ पे लेंस ब्लर लिखा हुआ है, लेंस ब्लर वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए, उसको कहीं पे भी रख दीजिए और आप उसको ब्लर कर दीजिए फ़ोटो को। फ़ोटो को इतना ब्लर करिए ताकि आपको ये जो एक्स्ट्रा आपने ऐड किया है वो ना दिखे। तो मैं उसको ब्लर कर लेता हूँ। देखिए तो मैं अपनी फ़ोटो को इतना ब्लर करूँगा। फिर आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको मैं आपको एक एरो का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस वाला ऑप्शन जाना है और यहाँ पर आपको व्यू एडिट्स का ऑप्शन दिखेगा, तो आप व्यू एडिट्स में क्लिक करिए। उसके बाद जो आपने लेंस ब्लर किया था उस लेंस पर ऑप्शन क्लिक करिए। फिर आपको एक ब्रश टाइप का ऑप्शन दिखेगा, आप ब्रश पर ऑप्शन क्लिक करिए। फिर यहाँ पे आपको आई टाइप का ऑप्शन दिखेगा, उसको भी आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको जिस जो जो एरिया आपने एक्स्ट्रा ऐड किया था उसका आपको सिलेक्ट कर लेना इस तरह, इससे क्योंकि जो हम लोगों ने ब्लर इफेक्ट डाला था वो इसी एरिया पर काम करेगा। और फिर यहाँ से देखिए आप नंबर भी कम कर सकते हैं। तो मैं आपको ऑब्जेक्ट के पास में ब्लर करना है, तो मैं 25 पे रख के यहाँ पे इसको ब्लर करूँगा। देखिए मैं यहाँ पे 25 नंबर पे रख के ब्लर कर रहा हूँ। फिर मैं इसको 50 करके थोड़ा सा दूर वाले एरिया पे ब्लर करूँगा। देखिए मैंने 50 करके ब्लर किया है। ठीक है, तो 50 करके मैं यहाँ से ब्लर कर ले रहा हूँ। इसके बाद 75 करके आपको इसको मिक्स कर देना है। देखिए ब्लर हो गया। अब जीरो पे करके अगर आपने कहीं अपने ऑब्जेक्ट पर ब्लर कर लिया है तब जीरो पे करके इसको ठीक कर सकते हैं। मैं इसको ठीक कर ले रहा हूँ। फिर आपको आई वाला बटन को ऑफ करना, फिर देखिए आपको फोटो ब्लर हो जाएगा। फिर आपको देखना है कहीं पर अगर कुछ एक्स्ट्रा ब्लर हुआ तब वहाँ से उसको ब्लर कर दीजिए, जो एरिया ठीक से नहीं आया उसका ब्लर कर दीजिए। ये देखिए मैंने इस एरिया को ब्लर कर दिया है, आपको राइट क्लिक करना है। ठीक है, देखिए मैं फ़ोटो रेडी हो गया। फिर मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा। मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लिया, फिर यहाँ को सेव का ऑप्शन दिखा, सेव कर लीजिए। अब देखिए मेरा फ़ोटो सेव हो रहा है। फोटो सेव हो गया। अब मैं अपने व्हाट्सएप में चल जाऊंगा, उस सेक्शन में आपको जाना है जहाँ पे हम लोग डीपी लगाते हैं। ठीक है, तो मैं सेटिंग्स में जाके यहाँ से अपने डीपी लगाते हैं। ठीक है, कैमरा ऑप्शन क्लिक करते हैं।
फिर आपको उसी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना। देखिए फोटो हम सिलेक्ट कर लिया, देखिए हम लोग को ज़्यादा एरिया मिल गया सिर्फ लगाने के लिए। देखिए मैं इसके ऐसे सिलेक्ट करके इसको डन पे क्लिक करूँगा। देखिए मेरा फोटो लग गया, ये फुल फोटो है। गाइस अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी फ्यूचर में हम अपने वीडियोस को अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा।